के बाद अब बात करते हैं बीएसपी की। आज दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 7 राज्यों के विधायक, प्रदेश अध्यक्षों और जोनल कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के पदाधिकारी और विधायक की मौजूदगी देखने को मिली। मायावती ने संगठन की मजबूती और आगामी पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं। बैठक में राजस्थान के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए भी बैठक थी, कुछ दिनों पहले बसपा विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था। मायावती ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। इसके अलावा मायावती ने एमपी में भी कांग्रेस का समर्थन जारी रखने की बात कही है। जल्द ही सीएम अशोक गहलोत और मायावती के बीच एक बैठक होनी तय है। राजस्थान में बसपा विधायकों का राज्यपाल से समय मांगने के बाद, तमाम चीजें होने के बाद, अब आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बुलाया, तमाम बैठकें हुई। हालांकि 7 राज्य इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन राजस्थान को लेकर क्या कुछ खास माना जाए, क्या बातें हुई? राजस्थान में जैसे 25 लोकसभा की सीटें हैं, तो उस पर काफी चर्चा हुई माननीय बहन जी ने, और संगठन को और मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को निर्देश दिए, हम सभी विधायकों को और संगठन के लोगों को। और हम ये आश्वासन भी दे के आए हैं माननीय बहन जी को कि आगे जो चुनाव जो भी होगा, अभी जैसे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जो होगा वो बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। एक बात आपसे यहाँ जाननी है कि आपके 3 विधायकों ने कहा कि हम राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, और ये भी बात सामने आई कि कहीं ना कहीं कोई नाराजगी थी या कोई काम थे जो राज्य सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहे थे, तो उसको लेकर आज क्या कुछ बात हुई? उसमें लाखन जी आप थे, आप मिलना चाह रहे थे विधायक दल के नेता, हमारे लाखन जी बताएंगे, विधायक दल के नेता जी से बात करेंगे। आपने समय मांगा था राज्यपाल जी से, वो क्या मंशा थी उसके पीछे, और बहन जी से आज आपने क्या बात करी? भाई, राज्यपाल जी जो समय मांगा था वो तो हमारा एक अपना पर्सनल था, इस तरह का ना कोई समर्थन लेने का और ना देने वाली कोई बात थी, चाय के लिए समय मांगा था। लेकिन बात इस तरह की बाहर आ रही थी कि कोई नाराजगी है, ये मीडिया की उपज है, हमारा कोई कहना नहीं था, ये मीडिया की उपज। एक बात और सामने आ रही है कि क्या 2008 वाला डर यहाँ पर मायावती जी को है कि कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएं? इस तरह की कोई बात नहीं है, माननीय बहन जी से बात हुई है और माननीय बहन जी अभी उन्होंने यही कहा है कि हम लोग सरकार से बात करके हमारे को भी, हम कांग्रेस के जो विधायक है उनकी तरह हमको भी ट्रीट किया जाएगा, कांग्रेस के विधायक है उनकी तरह ही ट्रीट किया जाए। आप बाहर से समर्थन देंगे या विलय होने की कोई बात है पार्टी की? देखिए, पार्टी में विलय जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी नेता माननीय बहन जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हमारे पूरे देश की नेता हैं, हम सबकी नेता हैं, और बहन जी ने निर्णय लिया था पिछले दिनों जो पीछे जो कांग्रेस की जो सरकार है उसको समर्थन देने का, और जो भी अगला भी जो निर्णय होगा वो माननीय बहन जी ले।